मैं आई हूँ मतलब 8-9 साल हो गए हमें इस फ्लोर में, तब से तो मैंने यहाँ आसपास में कोई भी अपने नज़दीक में कोई गढ़वाली लोग नहीं देखे। और हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कि सुना मैं जो रात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहदिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 5 बजे से और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग। वैसे तो सभी सुविधा है यहाँ पर, जैसे कि मेट्रो स्टेशन नज़दीक में है और सब्जी मंडी नज़दीक में है, हम लोगों का ऑफिस का काम भी इनका नज़दीक में ही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सुविधा तो है और सुविधा के साथ साथ बोलते हैं ना, सभी चीज़ें इंसान को अवेलेबल नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, वही है ना कि यहाँ पर सभी कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत मुझे और बस अब जैसे कि होता है ना, एक सभी ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना गढ़ वाले भी यहाँ पर आसपास में कोई नहीं है। और ये जो फ्लोर लिया है हमने वो था पंजाबी लोगों का, उन्हीं से लिया है हमने। तो ऐसे तो कुछ नहीं है कि वो बोलते नहीं हैं या कुछ नहीं, पर फिर भी एक ऐसे होता है ना कि जैसे अपने कास्ट का कोई होता आसपास में तो हम गढ़वाली में बात करते हैं, कितना अच्छा लगता ना। तो यहाँ पर जब से मैं आई हूँ मतलब 8-9 साल हो गए हमें इस फ्लोर में, तब से तो मैंने यहाँ आसपास में कोई भी अपने नज़दीक में कोई गढ़वाली लोग नहीं देखे। और इसी वजह से ना थोड़ा मुझे लगता है कि आसपास में गढ़वाली लोग भी होने चाहिए थे जिनके साथ थोड़ा सा मैं मतलब अपने लैंग्वेज में बात करती या कुछ। चलो आज का ब्लॉग अब आगे स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं जो उत्तम नगर की मंडी है वो कितनी बड़ी है और बिल्कुल हमारे नज़दीक में ही है। तो यही मैं सब दिखा पाऊँगी आपको और जो जो हमसे हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ब्लॉग के थ्रू दिखा सकें। तो चलिए बने रहेंगे कंटिन्यू। इधर सारी दुकानें वो ही रिपेयर है, यहाँ से मेरी मंडी का पीछे का गेट, मंडी में एंट्री। निशु पहले इसको ना थैला निकाल लिया, उसमें रखती हूँ सामान। सब्जी मंडी वहाँ से स्टार्ट हो रही है सब्जी मंडी। शिमला मिर्च क्या भाव लगाई आपने? 60। और ये घिया? 30। ठीक है, घिया पड़ी है। आपसे ही आती हूँ ना मैं सामान लेने ज्यादा। ये देखो इतनी बड़ी मंडी हमारे यहाँ की, यहाँ पर भी पनीर इधर ले जाओ। काफी बड़ी बना रहे हमारे, बना देती टमाटर भैया। टमाटर हैं? 45 रुपए। टमाटर कैसे दे रहे हो? टमाटर सिर्फ 60 रुपए किलो, सिर्फ 100 वाला 60 रुपए किलो। चलो देखते हैं। पनीर की बड़ी कंजूसी करते हो इसमें? हम तो लेते ही ना ज्यादा पन्नियां। आप ही देश बिगाड़ रहे हो, थैलियां चला चला के। ले लो कपड़ों की थैली लाओ, किलो तोल देना किलो। चल ठीक है जी। काफी बड़ी मंडी है हमारी, आज ले ले। एक हफ्ते में रेस्ट मांगता है।
एक हफ्ता काम कर लेता, फिर रेस्ट उसके लिए मार देता, रेस्ट कहाँ से मार देता। बहुत आलसी होते हैं राजस्थानी लोग, टमाटर सिर्फ 60 रुपए लगे, 80 वाला 60 रुपए हो गया। तो बोला पानी पीने का भाई मंडी दूर नहीं है, यहीं आएंगे आप, यहीं पे ऐसी लगा के आते रहेंगे मंडी के। गाँव में तो ऐसे होता था, प्याज कच्चे के नीचे होता था, पता नहीं, और आलू का कट्टा इस किसी कोने में, और लहसुन हवा में लटकता था। हमारे यहाँ भी ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे करते हैं, ऐसे खूंटी में टांग देते हैं लहसुन को, भुट्टा भी, भुट्टा वगैरह भी जो बीज ही रखना। अच्छा हाँ, बच्चे भी देखिए बहना तो है गोभी, कैसे गोभी भैया, गोभी कैसे दे रहे हो? 80। और शिमला, और शिमला 20 की पाव। खीरा तो फिर बेकार ही हो रहा है, मोटा मोटा सा हो रहा है खीरा। खीरा कैसे दे रहे हो? बाकी कौन सा है? 20 वो वाला खीरा कैसे है उधर? क्या करूँ, ले जाऊँ? सीताफल, और सीताफल 30 रुपये किलो, 30 लेना क्या? अरबी 60। चल और क्या लूँ, अदरक है अभी, भिंडी कैसे दे रहे हो? भिंडी 50, छोटी छोटी वाली भिंडी। खीरा, अरे खीरा कर दिया, खीरा वहाँ से निकलेंगे हम मंडी से बाहर। मटर, और भिंडी, पंद्रह की पाव, पालक से ले रही हूँ। मंडी का गेट है और हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं।
देखो हमारे बगल वाली आंटी आ रही हमारे साथ। आ जाओ आ जाओ, आ शर्मा रहे हो? नहीं, आपको कह रही थी आंटी की सब्जी लेकर आ रही है ना, सब्जी लेकर आ रहे हो आप? आ जाओ। हाँ बनाती हूँ। ये रहा हमारी बिल्डिंग और ये है बगल वाली आंटी का, बगल वाली आंटी का। चलो ओके बाय बाय। ये बद्दी वद्दी सब इधर उधर फेंक के बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, लेटते हैं और एसी चलाते हैं। और ये देखो बिस्तर का क्या हाल कर रखा है इन्होंने, चादर इधर की उधर हो रखी है। ठीक करने वाले मशीन है बच्चे, देखिए सारे ऐसे कर देते हैं बिस्तर के ना। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अच्छी चल रही है हल्की हल्की, अब ये हवा ना अंदर नहीं जा रही है क्योंकि सीधे दरवाजे होते नहीं हैं और हवा पास होती नहीं है अंदर की तरफ, तो हवा चलती है। तो यहाँ तो बिल्डिंग ही होती है सामने से ऐसे ही, देखिए कहाँ से हवा पास होती है, अरे बहुत होती है, अंदर की तरफ नहीं जाती है हवा। तो मैं भी अपने श्रीमान जी का वेट कर रही हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। और सब्जी रखी है मैंने गैस में, गैस में रखी है सब्जी। चलिए आने का टाइम हो रहा है इन लोगों का भी, तो करते हैं। सो ये देखिए मैंने रखी है सब्जी, तो चलिए आटा गूंथती हूँ और फिर उसके बाद चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको। श्रीमान जी आने वाले होंगे तो मैं फटाफट आटा गूंथ के बनाती हूँ रोटी। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।